कुछ हमारी ऐसी भी मोटर है जिसमें वो जो सर बता रहे थे कि एक साइड पे सील है और दूसरी साइड पे ओपन है। हाँ, और कभी ऐसा भी होता है कि सील वो होता मतलब ओपन चाहिए होती है गलती से, वो एक चाइनीज ने मोटर में दी जिसमें ना उन्होंने कहा था कि ग्रीस करनी है उसको ना, जब वो ग्रीस करते रहे तो वो तो सील थी पूरी, वो बाद में जब हमने इसको ओपन किया तो वो इतनी ज़्यादा ग्रीस सारी उसकी गई हुई थी। जो हमारी जो मोटर्स होती हैं इसमें कुछ टीम आती हैं वाइब्रेशन लेने के लिए कि कुछ डिक्लेयर करते हैं कि जी अब आपका बेयरिंग डैमेज है, उनको किस तरह पता लगता है कि बेयरिंग डैमेज है, मतलब एक चलें वो किसी और वजह से भी तो वाइब्रेशन आ सकती है, ये नहीं कि सिर्फ बेयरिंग फौरन रिप्लेस कर दो। बेयरिंग के डैमेज फ्रीक्वेंसीज की बुनियाद पे उन्हें पता चलता है जी। फ्रीक्वेंसीज अगर मैच करती हैं डैमेज मोड के साथ तो वो कहते हैं कि इस वजह से आपका बेयरिंग फेल है या बेयरिंग फेलियर की तरफ जा रहा है। एक हमने ना आउटसोर्स की हुई थी कंपनी को ना, उसने वो आती थी एनालिसिस के लिए ना, कंडीशन मॉनिटरिंग के लिए ना, अब वो लास्ट टाइम उनको मतलब लास्ट ईयर विजिट उन्होंने किया था कि आपके ये क्रिटिकल बेरिंग इसमें जो गियर बॉक्स वाली साइड पे उसका आप बेरिंग रिप्लेस करें, और सेम उन्होंने मोटर का कहा था, अभी वो उसको साल से ज़्यादा तो होने वाला है मतलब वो चल रही है, तो मैं वही पूछना चाहता था वो हमारे सर कुछ जो टेक मतलब जितने इक्विपमेंट के टेक्निकल मेंबर्स हैं वो कहते थे कि ये कहते हैं कि इसको ग्रीस कर दें, ग्रीस का इशू है ये, वो रिप्लेस करने का नहीं है मसला, कोई नहीं है, तो और उसका ग्रीस करते हैं साउंड भी नॉर्मल हो जाता है और सारा मतलब चल भी वो साल तक चल रही होती है वो ना, तो ये प्रॉब्लम ऐसा उसमें आया है जिसकी बुनियाद पे उसमें नॉइस आ रहा है और वो ग्रीस करने से या ओवर ग्रीस करने से कुछ देर के लिए रुक जाता है। अब जब होगा क्या कि जो उनकी रिपोर्ट है ना कंडीशन मॉनिटरिंग टीम की, वो रिपोर्ट आप हमसे शेयर कर लें, ठीक है, और जिस दिन बेरिंग खोलेंगे आप उस दिन या जिस दिन उतारेंगे उसके सैंपल हमें दे दें, हम उस रिपोर्ट की रोशनी में विजुअल इंस्पेक्शन करेंगे, ठीक है सर। विजुअल इंस्पेक्शन बताएगी कि ये बेरिंग वाकई फेल हुआ है, ये फेलियर कब शुरू हुआ था और कब तक चलते चलते एंड हुआ इसका। कंडीशन मॉनिटरिंग माइक्रोलॉग से उसको इंटरप्रेट करने के साथ साथ अगर विजुअल इंस्पेक्शन की एक्सपर्टीज आ जाए तो आप क्रॉस चेक कर सकते हो अपनी फाइंडिंग को कि मेरी रिपोर्ट क्या आई है, वाइब्रेशन क्या आई है, मेरी जो एनवेलप वैल्यूज आ रही है उसकी बुनियाद पे जो मैं इंटरप्रेट कर रहा हूँ क्या बेयरिंग पे नज़र भी आ रहा है। अगर आपने कहा कि लूजनेस है तो क्या देखा आपने हाउसिंग कोर के शिम दी हुई है कि नहीं दी हुई। अगर आपने कहा कि इसके अंदर जो है वो वाइब्रेशन लेवल्स हैं तो क्या आपने देखा वाइब्रेशन के मार्क्स अवेलेबल है नहीं है। अगर आपका लूजनेस आया तो आपने देखा क्रीप किया आउटर रिंग के नहीं किया। वो जो चीज़ माइक्रोलॉग बता रहा है या आपकी आपका एक्सपीरियंस बता रहा है फाइंडिंग वो बेयरिंग पे नज़र आ जाते हैं ना। अगर फिजिकली आप देख लेंगे बेयरिंग को विजुअल इंस्पेक्शन करके तो डबल चेक हो जाएगा कि हाँ वाकई हमारी रिपोर्ट ठीक है। उसके लिए ज़रूरी है कि विजुअल इंस्पेक्शन के लिए बेयरिंग का फेलियर एनालिसिस का सर्टिफाइड कोर्स एक कर लें तो उससे वो बंदा समझ लें कि पहले अगर वो 50% एक्सपर्ट था अब 100% हो जाएगा। RZ, RS1, RSL, RSH ये डिफरेंट टाइप्स हैं और ये सिंगल लिखे हुए नंबर अगर 2 लिख देंगे तो दोनों तरफ, और अगर सिंगल है तो फिर उसमें ग्रीस भरी हुई नहीं होगी, खाली बेयरिंग होगा। और ये हमेशा हम कहते हैं कि आपने सील खोल के उसमें ग्रीस नहीं भरनी, वजह ये कि उसके अंदर ऑलरेडी ग्रीस होती है। जब आप ग्रीस ऐड करेंगे तो पता नहीं आप कौन सा ब्रांड का कौन सा ग्रेड कर दें, मिक्स होके एक तीसरी ग्रीस बन जाए। और अगर आप चाहते हैं कि आप खुद ग्रीस करें तो आप सिंगल सील वाली बेयरिंग ले लें, उसमें ग्रीस अपनी मर्ज़ी की भर लें, ओपन ले लें उसकी आप अपनी मर्ज़ी से भर लीजिए।